आई एम रियली रियली हैप्पी, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इतने सारे प्यार के लिए. एंड यहाँ पर मुंबई में परफॉर्म करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं ऑडियंस के बीच परफॉर्म कर रही हूँ. बिल्कुल लिटरली ऐसा फील आ रहा था जैसे कि मैं फैमिली मेम्बर्स के बीच गा रही हूँ. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दे हैव गिवन टू मी इवन टुनाइट. जब से कॉन्सर्ट अनाउंस हुआ था तब से जितना एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ था, फाइनली वो एक्साइटमेंट आज रूबरू देखने को मिला. सो आई एम रियली रियली हैप्पी. कॉन्सर्ट के सारे जो भी मनी आएगी वो चैरिटी में जाएगी, उसके बारे में थोड़ा बता दें. पिछले 18 साल से मैं और मेरा भाई जब भी कॉन्सर्ट्स करते हैं तब सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के लिए ही करते हैं. उसका 100% अमाउंट हार्ट पेशेंट्स के ऑपरेशंस के लिए ही जाता है और उसी सेम कॉज के लिए ये कॉन्सर्ट भी हुआ था. जो पहला बच्चा मदद मांगने के लिए आया था जब मैं 7 साल की थी तब हार्ट पेशेंट था वो, और उसके बाद जितने भी बच्चे ही आए और इवेंचुअली हार्ट पेशेंट्स ही आए तो वो हार्ट पेशेंट्स का एक मिशन सा बन गया. और अभी हार्ट पेशेंट्स की ही 17 साल तक के बच्चों की ही वेटिंग लिस्ट है, 421 बच्चों की. सो इसलिए हार्ट पेशेंट्स का मिशन. लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय द फैमिली और योर. सबसे बड़ी खुशी एक आर्टिस्ट के लिए यही होती है जब आप अपने आर्ट से किसी का दिल छू पाएँ. एंड जब यहाँ पर इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला, जब लोग मेरे साथ मेरे गाने गा रहे थे एंड थ्रू आउट आप सबको लिरिक्स भी आते गायों के, सब वॉज रियली रियली सरप्राइजिंग. बहुत खुशी हुई. एक एक मोमेंट मैं घर पर जाऊँगी या कई सालों तक मुझे कॉन्सर्ट याद रहने वाला है. जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया फैंस का. कल की क्या है पर कुछ का? स्पेशल प्लान्स हमेशा बर्थडे का एक स्पेसिफिक रूटीन होता है. मैं सबसे पहले मंदिर जाती हूँ, फिर कुछ बच्चों से मिलने जाती हूँ, फिर एक ओल्ड एज होम जाती हूँ, फिर अपने परिवार वालों के साथ और थोड़े बहुत परिचितों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ. वसीम सर ने आपके कई सारे बाहर निकाल दिए हैं तो उसके बाद कुछ बता रहे वसीम सर के बारे में. आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड कि उनको ये पिक्चर्स मिले कहाँ से, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस पिक्चर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट पिक्चर्स थे बहुत सारे जो किसी ने आज तक देखे नहीं है. एंड जब वो स्क्रीन पर प्ले हो रहे थे आई वॉज रियली सरप्राइज हाउ डिड ही मैनेज टू गेट ऑल दोज पिक्चर्स. शायद मेरे पेरेंट्स भी उनकी हेल्प की होगी. बट हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सरप्राइज लगा मुझे, बिकॉज बचपन से लेकर अभी तक का जितना भी मिशन रहा है, जितनी पूरी जर्नी रही है, वो सारे मोमेंट्स कहीं ना कहीं वापस से दोबारा याद आ गए. सो बहुत ही स्वीट, बहुत ही इमोशनल सा सरप्राइज लगा मुझे. कल जन्मदिन भी है और बागी 2 भी रिलीज होने जा रहा है, तो हाउ मच यू एक्साइटेड अबाउट द बागी 2? बागी 2 के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है. इनफैक्ट अभी यहाँ से मैं बागी की स्क्रीनिंग पर ही जा रही हूँ. एंड मुंडिया गाना जैसे रिलीज हुआ इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला. पहली बार मैंने इस तरह की आवाज़ में गाया है, सो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल था बिलीव करना कि इट्स माई सॉन्ग. रैप किया था मैंने पहली बार इस गाने में. सो दिशा के लिए कौन तुझे के बाद नाउ इट्स मुंडे आए, दैट कनेक्शन विच गॉट एस्टैब्लिश्ड इन एमेजोनीज अगेन कमिंग. सो वी बोथ आर कमिंग टुगेदर. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं फिल्म देखने के लिए. और सबसे कहना चाहती हूँ प्लीज़ जाइए, जाकर फिल्म देखिए और मुंडिया पर स्पेशल शो कीजिए. नी 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 आँखों को छुपा के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. सबसे पहले तो जाना चाहिए क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छा फीलिंग है एंड बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत मज़ा आया. एज ऑलवेज हम लोग जब हार्ट पेशेंट्स के लिए गाते हैं तो एक मकसद होता है, तो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है कि इस शो को देकर एक की जान बचेगी, दैट वाज ऑलवेज देयर. एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया, रिस्पांस बहुत अच्छा था. पब्लिक मुंबई है, सो ऑफकोर्स ये एक्सपेक्टेड था एंड होपफुली विल परफॉर्म अगेन हियर. ओके, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा शेयर करना आपके साथ लाइव ऑडियंस के साथ? मुझे बहुत मज़ा आता है इंटरेक्ट करने में पब्लिक के साथ. एंड हमेशा मैं थोड़ा रिजर्व रहता हूँ स्टूडियो में, क्योंकि एक म्यूजिक कंपोजर वाला थोड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो सिंगर्स बहुत मस्ती करते हैं आके पलक मुछाल सी जैसे. लेकिन स्टेज पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पब्लिक के साथ डांस करता हूँ, सो मुझे बहुत मज़ा आता है. इट्स सुपर फन. ओके, आई थिंक ऑन स्टेज आई थिंक 14 ईयर्स बैक. It was just I wanted to do something different, कुछ नया करना चाहता था. हाथ से तो सब प्ले करते लेकिन कुछ ट्राई किया एंड होपफुली आप सबको अच्छा रहो.
No, I have in played. Mumbai. In Mumbai, yes, yeah. Of course. पलाश आपके भी अपकमिंग सॉन्ग के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ जी, मेरी अगली फिल्म है रोमियो वॉल्टर, अकबर वॉल्टर रॉ, जो कि जॉन अब्राहम भाई की है. सो उसमें भी बहुत से गाने आतिफ भाई ने फिर किससे गाया है मेरे लिए, तो आई होप कि आप सभी को अच्छे लगेंगे. जब फलक जी के साथ में आप गाना गाते हैं तो किस तरीके का है जो है दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जो मस्ती होती है हाँ वो किस तरीके से रहती है? जी, बहुत हमेशा स्पेशल लगता है क्योंकि केमिस्ट्री एक रहती है, एक भाई बहन की केमिस्ट्री. अदरवाइज हम लोग जब ऑफ स्टेज जाते हैं तो बहुत लड़ते हैं, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब स्टूडियो में एंटर करते हैं या स्टेज पर रहते हैं हम लोग भाई बहन की तरह तो नहीं रहते, थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री ऑफकोर्स रहती है. एंड आपने देखा, आपको आई होप अच्छा लगा हो. हाँ जी, सरप्राइज. आई लव दिस क्वेश्चन. सरप्राइजेस है, लेकिन हर बार की तरह मैं कुछ नया केक में दूंगा सरप्राइज. हमेशा केक की जिम्मेदारी मेरी रहती है, सो इस बार भी कुछ नया है केक. ऑनेस्टली मेरी गिफ्ट्स की या किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, लेकिन मुझे जो ये लोग देते हैं स्पेशली, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. पूरे कॉन्सर्ट के दौरान भी मेरा ध्यान ऑफकोर्स कॉन्सर्ट में तो था ही, उसके साथ साथ वो घर पर जाकर जो मैंने गिफ्ट्स खोली हैं उन पर भी ध्यान था. सो हर बार मुझे फैमिली से, पलाश से बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं. जैसे कि उसने कहा, वो केक स्पेशल वाला मुझे देता है, सो हर बार उसकी एक यूनिक थीम रहती है. पिछली बार उसने मेरे जितने भी गाने रिलीज हुए थे वो सारे मेंशन करवाए थे. जैसे कि मैंने कहा, हर बर्थडे पर वही रूटीन मैं फॉलो करती आई हूँ, एंड कल के बर्थडे पर भी वही रहेगा. इस बार जो खास बात है, और ज़्यादा जितने भी मेरे प्रशंसक हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं, वो खुद को पल्कियंस बुलाते हैं. तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिन से एक्साइटमेंट चल रहा है, और उस एक्साइटमेंट को देखकर आई वॉज रियली सरप्राइज कि इस तरह भी कोई किसी के बर्थडे का इंतज़ार कर सकता है. तो वो एक्साइटमेंट इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशल है. Thank you. Thank you. Thank you.